हेलो फ्रेंड, मैं रोहन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन और भौतिक विज्ञान में विषय सूची को हम लिखे हैं, जो दक्षिण कक्षा में जो जो पढ़ना है हम सब चैप्टर को लिख दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण और चौथा विद्युत धारा, पांचवी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, सिक्स है ऊर्जा के स्रोत और सातवां है प्रायोगिक। बच्चों हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। इसके पढ़ने से पहले मैं भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्या है, उत्पत्ति कैसी हुई है भौतिक विज्ञान की। चलिए बच्चों, भौतिक विज्ञान, भौतिक शब्द का अर्थ प्रकृति से है। इसी भौतिक शब्द से भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो ग्रीक भाषा के शब्द फिजिक से हुई है, जो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी बच्चों, हम लोग दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत तरह की हम घटनाएं देखते हैं, जैसे कि आंधी का चलना, बादल का बनना, चंद्र ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना, ये सब सारे जो घटनाएं होती हैं हम लोग देखते हैं आमतौर पर। जैसे कि जब बारिश की मौसम होती है तो आकाश में आकाशीय बिजली चमकती है, ध्वनि उत्पन्न होती है और जहाँ तहाँ उल्का पिंड गिरते हैं। ये सारे चीज जो है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों, दसवीं कक्षा में हम लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है प्रकाश, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं, अथवा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कहने का अर्थ है प्रकाश माध्यम है हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए। अगर प्रकाश ना हो तो हम संसार में दुनिया में किसी भी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है, अपतित होता है, तो वहाँ से लौट कर या टकरा कर हमारी आंखों तक आता है, तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि हम देखने की चेष्टा भी करते हैं, प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग देखने की चेष्टा करते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत जो, अब देखिए हम प्रकाश पढ़ लिए, अब प्रकाश किन किन स्रोत से निकलता है। प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक प्राकृत स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृत स्रोत में हो जाएगा सूर्य, तारे से ये सब प्रकाश निकलते हैं, और जैसे कि मानव निर्मित स्रोत में जैसे कि हो जाएगा बल्ब हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, और ट्यूबलाइट हो जाएगा, बहुत तरह की लाइट मोमबत्ती हो जाएंगी, ये सब मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। दोस्तों प्रकाश का स्रोत पढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे डेयर क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके जरिए से जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपके पास पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, प्रकाश का स्रोत पढ़ते हैं। प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी बच्चों, जैसे कि लालटेन, लैंप, मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूब तथा सूर्य और तारा, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। इन इन वस्तुओं से हम लोग प्रकाश निकलती है ना, जैसे कि सूर्य हो गया, तारा, सूर्य हम लोग दिनचर्या में, दैनिक जीवन में सूर्य हमेशा निकलता रहता है, सूर्य का प्रकाश। तारा रात में हम लोग देखें तो तारा का प्रकाश निकलता है। उसी प्रकार हम लोग लैंप का उपयोग करते हैं, मोमबत्ती का उपयोग करते हैं कैंडल के रूप में आदि का हम लोग सूर्य का स्रोत होते हैं। जैसे आप देखिए, सूर्य प्रकाश का स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। यानी प्राकृतिक स्रोत में सूर्य और तारा आ जाएंगे, और मानव निर्मित स्रोत में लालटेन हो जाएंगे, मोमबत्ती हो जाएंगे, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि हो सकते हैं। और बच्चों, हम यहाँ पर नोट में एक नोट किए हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न
ऊर्जाओं को प्रकाश में बदल देता है, यानी इसका अर्थ होता है बच्चों लैंटेन, लैंप, मोमबत्ती, ये सारे जो प्रकाश स्रोत हैं मनोनिर्मित है, मनोनिर्मित है, जो कि इनमें जो है रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, मतलब इनमें क्या विद्यमान होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्यमान होती है, ठीक है। और बच्चों और रासायनिक विद्यमान होती है, और बच्चों बल्ब और ट्यूबलाइट में भी विद्युत, ये सब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने की चेष्टा करती है। और बच्चों और हम लोग का सूर्य सूर्य जो भी प्रकाश निकालता है, सूर्य में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें सूर्य में जो होता है जो प्रकाश बहुत भंडारित प्रकाश निकलता है सूर्य से, उसमें नाभिकीय संलयन होता है, जिसके माध्यम से हमें सारी दुनिया पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धि होती है, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो बच्चों नहीं रहेगा, आगे नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर का आगे टॉपिक पर आऊँगा। तो अगर आप बच्चों ने और लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर करें।